हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की तो हर बार ही कहता हूँ, लेकिन आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जो डीसी, मार्वल और हॉलीवुड के बड़े वाले फैंस हैं। और अगर आपने इस वीडियो के टाइटल को देख कर या थंबनेल को देख कर उस पर क्लिक किया है तो आप किसी ना किसी के बड़े वाले फैन होंगे। तो ज़्यादा सॉरी माई रॉन्ग वर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, आई एम स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए जानते हैं डीसी, मार्वल और हॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज़ की उन बातों के बारे में जिसकी वजह से आपने इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर वन पर है डीसी की अपकमिंग एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम मूवी। तो चलिए जानते हैं एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम मूवी की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो दोस्तों एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम मूवी हमें कब देखने को मिलेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मूवी हमें 20 दिसंबर 2023 में सभी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम मूवी हमें देखने को मिलेगी 20 दिसंबर 2023 में। और इस मूवी की सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार हमें इस मूवी में सभी कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम चेंज दिखाई जाने वाली है सिवाय मीरा के। अब मीरा के साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो मुझे पता नहीं, शायद लास्ट में उसकी कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाए। और इस मूवी की थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्वामैन के फर्स्ट पार्ट में जो विलन था ओसेन मास्टर, जो कि एक्वामैन का भाई था, वो इस बार एक्वामैन के साथ मिलकर लड़ेगा और हमारे एक्वामैन की हेल्प करेगा। और फोर्थ इस मूवी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मूवी का विलन ब्लैक मॉन्टा है, जो कि एक्वामैन के फर्स्ट पार्ट में पूरी तरह पिटा था, पर जब उसका सूट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार ब्लैक मॉन्टा की कॉस्ट्यूम एकदम अमेजिंग है और बहुत ही पावरफुल भी। तो दोस्तों ये थी डीसी की अपकमिंग मूवी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर टू पर है मार्वल की अपकमिंग द मार्वल्स। तो चलिए जानते हैं द मावा मूवी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों द मावा मूवी हमें कब देखने को मिलेगी ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों द मावल मूवी हमें देखने को मिलेगी 10 नवंबर 2023 में। जी हाँ दोस्तों, द मावस मूवी हमें 2023 में नवंबर की 10 तारीख को देखने को मिलेगी। और बात करें द मावस मूवी की सेकंड इंपॉर्टेंट बात के बारे में, तो आपने द मार्वल मूवी का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा जिसमें कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल दिखाए गए हैं, लेकिन इनके साथ जो ये तीसरी लड़की है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसकी कोई मूवी या सीजन आया ही नहीं। और बात करें इस लड़की की, तो इस लड़की का नाम मोनिका है, जो कि कैप्टन मार्वल में दिखाई गई थी, लेकिन तभी वो एक बच्ची थी। अब आप सोचोगे वो इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब कैप्टन मार्वल मूवी हमें देखने को मिली थी तो उस मूवी की शुरुआत हुई थी 1995 में और ये मूवी 2025 से शुरू होगी, तो इसीलिए इस मूवी में मोनिका बड़ी हो गई। अब बात करें इस मूवी की थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो मोनिका के अंदर पावर कैसे आई, तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर आपने वांडाविजन वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें आपको मोनिका का एक छोटा सा सीन दिखाया गया है जिसमें मोनिका वांडा की एनर्जी फील्ड से गुजर रही होती है और तभी उसमें पावर आ जाती है। और इस मूवी में मोनिका का क्या रोल है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस मूवी की शॉर्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में, यानी चौथी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का जो मेन विलन है वो एक लड़की है और उसके पास भी एक बिल्कुल ऐसा ही बैंगल है जैसा मिस मार्वल के पास है, और वो चाहती है कि मिस मार्वल यानी कमाला खान उसे वो बैंगल दे दे। और पांचवी इस मूवी की इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल और मोनिका एक दूसरे में बार बार टेलीपोर्ट हो रही है जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि मुझे खुद नहीं पता, ये तो मूवी देख कर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी मार्वल की मूवी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर थ्री पर है डीसी की अपकमिंग ब्लू बीटल मूवी। तो चलिए जानते हैं ब्लू बीटल मूवी की इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो दोस्तों ब्लू बीटल मूवी हमें सिनेमाघरों में कब देखने को मिलेगी ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ब्लू बीटल मूवी हमें देखने को मिलेगी 18 अगस्त 2023 में। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी हमें 2023 की 18 अगस्त को देखने को मिलेगी। और इस मूवी की सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी लोगों ने ब्लू बीटल के ट्रेलर को तो देख ही लिया होगा जिसमें एलियन टाइप की एक मकड़ी हमारे हाइमी की किस कर लेती है और उसके बाद क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन उस मकड़ी जिसका नाम स्कैरब है उसका राज क्या है वो आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि उस स्कैरब का क्या राज है, किसने उसे बनाया और कहां से वो आया। आप चाहें तो
दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की थर्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों द ब्लू बीटल मूवी की थर्ड इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मूवी में हमें ब्लैक कलर का एक भयानक सी शक्ल वाला विलन दिखाया गया है जिसका नाम है कॉनराड क्रैपैक्स, लेकिन वो इस मूवी का मेन विलन नहीं। इस मूवी की मेन विलन एक लड़की है जिसका नाम है विक्टोरिया कोर्ट और वो चाहती है हाइमी से उस स्क्रैप को छीनना। और वो ऐसा क्यों चाहती है ये किसी को भी नहीं पता, शायद वो उस स्क्रैप की मदद से पृथ्वी को खत्म करना चाहती है। और फोर्थ इस मूवी की इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे हाइमी रेस को ऐसा अनलिमिटेड पावरफुल स्क्रैप मिला है जो मार्वल के आयरन मैन और स्पाइडरमैन को पूरी टक्कर देगा, और ऐसा सूट हमें इससे पहले ना मार्वल ना डीसी की मूवियों में कभी देखने को मिला। तो दोस्तों ये थी डीसी की अपकमिंग मूवी की इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 4 पर है हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ द बीट्स मूवी। तो चलिए जानते हैं ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ द बीट्स मूवी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ द बीट्स मूवी हमें देखने को मिलेगी 2023 की 9 जून को। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें 9 जून 2023 में सभी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी की सेकंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मर सीरीज में हमें अब तक डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबोट्स ही देखने को मिले हैं जो कि सिर्फ तरह तरह की कार्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इस बार हमें ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ द बीट्स मूवी में ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स के साथ मैक्सिमल भी दिखाए गए हैं जो कि एनिमल्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये मैक्सिकल ऑटोबोट्स को अपना गुरु मानते हैं और तरह तरह के एनिमल्स में कन्वर्ट होते हैं। और इन मैक्सिमल का लीडर है ऑप्टिमस प्राइम जो कि एक पेंडा है। और बात करें इस मूवी की थर्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो इस बार हमें इस मूवी में जो विलन देखने को मिलेगा वो कोई छोटा मोटा विलन नहीं होगा बल्कि एक प्लेनेट जितना बड़ा है और उसका नाम है यूनिक्रॉन। अब मेरे दिमाग में ये बात नहीं घुस रही, जब यूनिक्रॉन एक प्लेनेट जितना है तो ये डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबोट्स और मैक्सिमल मिलकर किससे लड़ेंगे, अपने पापा जी से। वो अगर चाहे तो पृथ्वी को एक झटके से खा सकता है, तो फिर ये कीड़े मकोड़े उसके आगे क्या हैं? ये तो हमें इस मूवी को देखकर ही खैर पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 5 पर है डीसी की अपकमिंग द फ्लैश मूवी। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या बोल रहे हो, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है, कब देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी। तो हाँ कर रहा हूँ, ये भी तो एक जरूरी बात है। तो दोस्तों ये मूवी हमें देखने को मिलेगी 16 जून 2023 में, यानी आज से करीबन 1 month later। जी हाँ दोस्तों ये मूवी हमें 2023 की 16 जून में देखने को मिलेगी। और बात करें इस मूवी की सेकंड इंपॉर्टेंट बात की, तो द फ्लैश सीरीज की अब तक एक भी मूवी नहीं बनी, ओनली सीजन बने, और सीजन 1-2 नहीं बल्कि 9 सीजन बने, और एक भी हिंदी में नहीं। तो सोचिए कितना जुल्म किया इन्होंने हम पर। तो इसीलिए अब हमारे फ्लैश किसी सीजन में नहीं बल्कि एक मूवी में दिखाई देने वाले हैं, और इस मूवी में हमें फ्लैश के साथ बैटमैन और सुपरमैन दिखाई देने वाले हैं, और सुपरमैन एक लड़की है, और इनका इस मूवी में क्या रोल है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और थर्ड इस मूवी की इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मूवी में मेन विलन कौन है। तो दोस्तों ये अभी तक रिवील नहीं हुआ कि इस मूवी का कौन मेन विलन है, पर इस मूवी में हमें जनरल जोर्ड दिखाए गए हैं जो कि विलन के रोल में है, पर वो इस मूवी के मेन विलन नहीं। दोस्तों या तो इस मूवी के मेन विलन डार्क फ्लैश होंगे या फिर ब्लैक फ्लैश, मतलब ये भी कंफर्म नहीं। तो दोस्तों ये थी डीसी की अपकमिंग मूवी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की, मार्वल की, डीसी की अपकमिंग मूवीज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।